हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल और आज के वीडियो में मैं आपको बताने जाऊंगा कि गूगल पे में कितनी सैलरी आपको मिल सकती है और आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर आप गूगल पे में पहली बात ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको अपने एरिया में देखना पड़ेगा कि आपके एरिया में गूगल पे का काम चल रहा है तो आपको उसे मिलना होगा, नहीं तो नियर बाय सर्च करना पड़ेगा कि कहाँ पे इनका ऑफिस है। उसके बाद ऑफिस का पता करने के बाद आपको इनके टीम मैनेजर से मिलना होगा जॉब के लिए। जॉब लगने के बाद आपको एक दो दिन में आपको ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा और आप ज्वाइन हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा हार्ड इंटरव्यू होता नहीं है, नॉर्मल इंटरव्यू होता है। बेसिक चीज़ें आपको देनी पड़ती है बस। अगर आप 12th पास है, 10th पास है तो आप गूगल पे को ज्वाइन कर सकते हैं। इस जॉब में आपको सिर्फ फील्ड वर्क ही है और आपको इसमें कंपनी 20 से 30 हज़ार रुपये तक का सैलरी देती है। तो आपको अगर ज्वाइन करना है तो नियर बाय अपने सर्च कीजिए और ज्वाइन हो जाइए गूगल पे में। तो फ्रेंड्स, इस बार जो सैलरी आई है मुझे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ठीक ठाक आ गई है। वैसे फ्रेंड्स, इस जॉब में होता है कि आपको सिर्फ जो किट दिए रहेंगे गूगल पे के, वो आपको हर स्टोर में जा जा के लगाना है और कस्टमर को जो और जो शॉपकीपर है उनको देना है। और फ्रेंड, इसमें ज़्यादा कुछ काम रहता नहीं है, सिर्फ फील्ड वर्क ही है। और आपको एक बार आपने धीरे 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 सब जगह अगर आपने लगा दिए हैं तो आपका काम खत्म हो जाएगा और हमेशा नए नए एरिया में आपको जाना पड़ेगा। अगर समझ लीजिए कि आप किसी अगर समझ लीजिए आप कहीं 1 किलोमीटर में आपने 100 दुकानें कर ली, फिर आपको दुकान वो 1 किलोमीटर छोड़ के नेक्स्ट 2 किलोमीटर में ट्रैवल करना होगा, फिर 2 किलोमीटर जो एरिया आपने कवर कर लिया है फिर थर्ड एरिया में जाना पड़ेगा। इसी तरह आपको हमेशा अपना एरिया चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी इसमें सिर्फ एक ही काम है कि आपको स्टैंड ही लगाना है और उनका जो प्रोडक्ट किट या दिया रहेगा वही आपको लगाना है। इसमें ज़्यादा ऐसा नहीं कि आप एक बार दुकान पे गए, उस दुकान पे फिर वापस आपको रिटर्न जाना है, तो सिर्फ आपको वन टाइम जाना है उस दुकान पे और अपना काम करके वहाँ से चले जाना है। इस काम में आपको कंपनी देगी 20 से 30 हज़ार रुपये की सैलरी, जिससे कि ये भी मतलब नॉर्मल जॉब के लिए ठीक है। और इस फ्रेंड्स में अगर आप दो टाइप होते हैं, एक तो डेली बेसिस पे आपको पैसे दिए जाते हैं, एक सैलरी बेसिस में होता है कि आपको डेली का जो टारगेट करना पड़ता है वो डेली आपको करना पड़ेगा। अगर आप सैलरी बेसिस पे नहीं हो, टारगेट बेसिस पे हो, तो आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। जिस तरह आपका टीम मैनेजर बताएगा आपको कि ऐसे काम करना है तो आपको उस हिसाब से काम करना चाहिए, आपको उस हिसाब से काम करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस काम में ज़्यादा तो फ्रेंड्स ये काम जो बहुत है बहुत इजी है और 11th 12th और ग्रेजुएशन वाले भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें सैलरी भी आपकी अच्छी खासी आ जाती है, 20 से 30 हज़ार रुपये। और ज़्यादा डॉक्यूमेंट भी नहीं है आपको, ज़्यादा क्वालिफिकेशन भी नहीं है, सिर्फ आपको कस्टमर से अच्छे से बात करना है और उसे ये कंपनी की स्कीम बतानी है कि ये किस यूज़ में आती है। बस यही है इस काम के लेवल। और बाकी आपका जब जैसे जैसे आप 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ वैसे होगा आपका सैलरी भी बढ़ सकता है अगर कंपनी बढ़ाना चाहे, या तो अगर उसमें कुछ एडिशनल आए तो आपको उसमें कुछ बेनिफिट हो सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल तो मुझे इस जॉब में तो अभी ठीक लग रहा है क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मुझे इसमें। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम कंपनी कुछ नया प्रोग्राम लाए अपने इस प्लेटफॉर्म पे। अभी तो फ्रेंड्स इस प्लेटफॉर्म में यही प्रोग्राम चल रहा है 1-2 साल से, कि आपको किट लेना है और जाके शॉप पे जाके लगाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।
और अगर आपको भी ज्वाइन करना है गूगल पे, तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा ताकि आप भी कुछ पैसे कमा सके अपने पर्सनल खर्च के लिए। दिक्कत का सामना हर किसी को करना पड़ रहा है, तो फील्ड जॉब बहुत ही अच्छा टाइप अच्छा है, और आपको ये लोकेशन पे भी मिल जाएगी आपके। तो फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके बताइएगा।